हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ओटीटी क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से राधे फिल्म के 7 दिनों के व्यूअरशिप्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, व्यूअरशिप किस तरह से आई है ये मैं बात करने वाला हूँ, वो भी अनऑफिशियल। ऑफिशियल नहीं है दोस्तों, लेकिन ये मैं साफ कह सकता हूँ 7 दिन के बाद ये व्यूअरशिप 100 मिलियन प्लस हो चुकी है। और अगर सब कुछ सही है तो 7 दिनों में इस फिल्म की व्यूअरशिप 1.5 करोड़ हुई है। यानी कि ये व्यूअरशिप करीबन क्या बोलते हैं 10 मिलियन के ऊपर हो चुके, 10.5 मिलियन आप इसे बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर साफ चीज ये है कि 10.5 मिलियन के आसपास व्यूअरशिप हो चुकी है, यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास पक्की हुई है। और अगर ऐसा हुआ है तो 261 करोड़ कहीं नहीं गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कलेक्शंस इस हद तक इसलिए भी गजा चुके हैं क्योंकि हमने ये नोटिस किया कि फर्स्ट डे 4.2 मिलियन व्यूज थे ही थे, 8.9 मिलियन व्यूज 4 दिन के बाद थे, 9.9 मिलियन व्यूज 5 दिन के बाद थे। तो ये कलेक्शंस होना, 7वें दिन होना ये बिल्कुल लाजमी था और 7 दिन हो चुके हैं। तो अनऑफिशियली दिस राधे फिल्म हैज क्रॉस्ड 261 करोड़। और मैं आपको इसलिए कहूंगा अनऑफिशियली क्योंकि यहां पर मेकर्स ने अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं कहा है। मैं चाहता था या चाहता हूं कि एक हफ्ते की व्यूअरशिप जरूर बताई जाए, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं इतना कॉन्फिडेंटली क्योंकि ये फिल्म एप्पल टीवी पर आ चुकी है और ये फिल्म कहीं ना कहीं डीटीएच पे दिखाई गई, टाटा स्काई है ना, वीडियोकॉन, इसके अलावा जी प्लेक्स, इसके अलावा जी फाइव ऐप तो है ही है। तो कुल मिलाकर हर हाल में इस फिल्म ने, अगर 5 दिन तक का लोग ये कह रहे हैं या जी वाले खुद कह रहे हैं कि हमारी फिल्म ने 9.9 मिलियन है ना इधर तक अगर आया है, तो मैं आपको साफ कह सकता हूं कि 10.5 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ व्यूज हर हाल में हुए हैं और 261 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हुआ होगा। दिस इज माई एस्टिमेट्स आफ्टर 7 डेज ऑफ राधे व्यूअरशिप, ओटीटी व्यूअरशिप स्पेशली। आप कितना एग्री है इस बात से ये जरूर बताएगा क्योंकि कहीं ना कहीं कलेक्शंस पर या बहुत सी चीजों को लेकर राधे फिल्म पर सवाल उठ रहा है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, सवाल सलमान खान पर या उनकी फिल्मों पर हमेशा उठते रहते हैं, लेकिन सलमान खान की ही अकेली ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा 300 करोड़ की फिल्में दी है। तो सवाल उठने दीजिए, जब आप सलमान खान देते रहेंगे तो कोई टेंशन लेने की यहाँ पर बात नहीं है। और राधे कलेक्शन के बारे में एक और चीज बात साफ बोलना चाहता हूँ कि ये फिल्म एक प्रॉफिटेबल वेंचर है बोथ सलमान खान एंड बोथ SKF यानी जी, तो दोनों को प्रॉफिट है। भले ही कुछ भी आपको लगे बट आई थिंक दोनों को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों। अगर सब कुछ सही रहा और लॉजिकल रहा तो फिल्म 300 करोड़ टच कर जाएगी।